मेरे राघव का परिचय उन्हीं से पूछ लेना जब वो मुझे लेने आएंगे। जानकी ही राघव की है और राघव की ही रहेगी। जन्म जन्म की खोज बताए राम से रूठे राम से माने सिया राम जय जय राम। 2023 की सबसे बड़ी फिल्म है इस बात में तो कोई शक नहीं है, क्योंकि फिल्म के मेकर्स के हिसाब से आदि पुरुष फिल्म का बजट 700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बताया जा रहा है। और इसी के साथ आदि पुरुष बॉलीवुड की या यूँ कहें हिंदुस्तान की सबसे महंगी फिल्म बन चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आदि पुरुष फिल्म भले ही महंगी फिल्म है, लेकिन ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही अपने बजट से कहीं ज़्यादा कमाई करने को तैयार है। हालांकि फिल्म को रिलीज होने में अभी 2 हफ्ते का समय बाकी है, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर फिल्म से 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर चुके हैं। और फिल्म की एडवांस बुकिंग जैसे ही विदेशों में शुरू हुई, फिल्म को विदेशों में एडवांस बुकिंग से भी काफी शानदार रिस्पॉन्स मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आदि पुरुष के एडवांस बुकिंग कलेक्शन और प्री रिलीज डिटेल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे इस फिल्म ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों आदि पुरुष जो कि रामायण पर बेस्ड कहानी फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है ओम रोहत ने, और इस फिल्म में प्रभास के साथ हमें कृति सेनन, सैफ अली खान और सनी सिंह देखने को मिलेंगे। फिल्म रिलीज होने वाली है 16 जून को। जी हां दोस्तों, 16 जून को यह फिल्म दुनिया भर के सिनेमा घरों में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज होगी। अब दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो अभी तक हिंदुस्तान में तो शुरू नहीं हुई, लेकिन विदेशों में कुछ सिलेक्टेड सिटीज और देशों में इसके एडवांस बुकिंग को शुरू कर दिया है। और आपको बता दें दोस्तों, ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों में फिल्म की अभी लिमिटेड बुकिंग शुरू हुई है, लेकिन वहां से फिल्म ने $65,000 की कमाई की है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 53 या 54 लाख रुपए होते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो रही एडवांस बुकिंग की कलेक्शन की बात, पर बात करें कि फिल्म ने अभी तक प्री रिलीज बिजनेस से कितने करोड़ की कमाई की। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले के वीडियो में बताया था कि आदि पुरुष फिल्म के जो तेलुगु स्टेट के थिएट्रिकल राइट से वो बिक चुके हैं 170 करोड़ में, वही दोस्तों यहाँ पर आदि पुरुष फिल्म के जो 5 भाषाओं के OTT के राइट से यानी कि डिजिटल राइट्स वो बिके हैं 250 करोड़ में। तो जहाँ 250 करोड़ में डिजिटल राइट्स बिके हैं, 170 करोड़ में सिर्फ तेलुगु स्टेट के राइट बिके हैं, यानी कि फिल्म के मेकर्स 420 करोड़ की कमाई फिल्म रिलीज होने के 15 दिन पहले कर चुके हैं। हालांकि अभी तो फिल्म के सेटेलाइट राइट्स यानी कि टीवी पे दिखाने के राइट्स बिकना बाकी है, साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी राइट्स, तमिल राइट्स, तेलुगु राइट्स और मलयालम राइट्स, कन्नड़ा राइट्स बिकना बाकी है। फिल्म के 170 करोड़ में सिर्फ तेलुगु स्टेट के राइट बिके हैं, इसके अलावा तो अभी बहुत स्टेट्स के राइट्स बिकना बाकी है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेटेलाइट राइट्स भी बिकना बाकी है। तो उम्मीद लगाई जा रही है दोस्तों कि यहाँ पर आदि पुरुष का जितना बजट है उससे कहीं ज़्यादा कमाई ये फिल्म रिलीज होने के पहले ही कर जाएगी। और अगर यह फिल्म पब्लिक को पसंद आ गई तो यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ की कमाई भी कर जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है आदि पुरुष फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ कमाएगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आदि पुरुष फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।